मेरा ये पढ़ने का शौक है और मैं इसलिए पढ़ नहीं सकती क्योंकि मेरे माँ बाप के पास पैसा कम है, तो मेरी आज भी कापियों के लिए पैसे नहीं है। खाना जो है ट्रैक्टर ट्राली के साथ मजदूरी करते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तलीम हासिल करें और मेरे खाना पे बोझ ना है। खास तौर पे मैं जो हमारी कोशिश है कि अपनी औरतों का हम उठाएं, हमारी औरतें खास तौर पे जो गरीब इलाकों में हैं, जो देहातों में हैं, एहसास प्रोग्राम के अंदर हमने जो स्कूलों के अंदर स्कॉलरशिप्स रखी हैं बच्चियों के लिए, वो बच्चों से ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा है। मेरा बंदा जी वो गुब्बारा भेजने है, मेरा अपना घर निकराए पे रहता है। मेरा बच्चों की तालीम के लिए बहुत शुक्रिया, ये पढ़ ले, पैसे हुए तो पढ़ लेगा, पैसे ना हुए तो फिर किधर से पढ़ेगा। मेरा अबू प्राइवेट ड्राइवर है, हमारा ताल्लुक लेकिन मारवत से है। मैंने ये देखा है कि जो एहसास कच्ची से लेके 12वीं तक हायर सेकेंडरी तक ये जो आगाज़ किया गया है, इससे ये जो एहसास कफालत की रकम वसूल करने वाली खवातीन हैं वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जज्बे से अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल भी करा रही हैं और इससे वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने की तरफ ज़्यादा गमजन हुई हैं। और मैंने ये भी नोट किया कि यहाँ पे जो खवातीन आते हैं ना, वो अक्सर वो जो है उनको पैसे की लालच नहीं होते, वो अपने बच्चों को वाकई पढ़ना चाहते हैं। जी हम कश्मीर में रहते हैं, हम कश्मीर से यहाँ सबक पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं तारिक टोन में। मेरे शोहर मजदूरी करता है, इलाके की गिलगित की है, हुकूमत की शुक्रिया है मेरे बच्चे स्कूल में दाखिल करने। मैं मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, हुकूमत का बहुत शुक्रिया कि हमारे तालीम का हर चाप हमारे वालदेन पर नहीं पड़ेगा।